ओके तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के न्यू वीडियो पे। इस वीडियो में मैं फिर से एक बार खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके इंटरव्यू में आप सब लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ एंड आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ ओशन के बीच में, नहीं ओशन पे हूँ मैं। ओशन पे क्यों आया वो आप लोग को बताता हूँ। ओके तो मैं ओशन पे इसलिए हूँ क्योंकि ये देख सकते हो स्क्रीन पे इन्होंने मेरे को एक जॉम्बी का तो स्पॉनर का कॉर्नर्स दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मेरे को तो मिल गया है क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि मैं कुछ कॉर्नर्स मिले तो मैं पहले ही जाके देख के आता हूँ, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर नहीं होगा तो वीडियो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर देखने आया और वहाँ पर मिला है मेरे को एक जॉम्बी का स्पॉनर। तो पहले तो इनको शाउट आउट दे देते हैं। शाउट आउट टू एवर फ्री फायर कह के नाम है इनका, तो नाम मेरे को तो नहीं पता बट फ्री फायर कह के लिखा है इन्होंने। तो हम नीचे चलते हैं, थोड़ा बहुत वाटर भी लेते हैं। मेरे को तो वॉइस नहीं आ रहा है, ये देख सकते हो मैं कितना वॉइस खेल रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आएगा वॉइस। तो यहाँ से नीचे चलते हैं, कट हो गया ना वहाँ कि नहीं, 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 नहीं। तो अब चलते हैं नीचे। भाई ये फिर से पड़ गया वहाँ, तो यहाँ से नीचे चलते हैं। अब हम डायरेक्ट अब जाने वाले हैं जॉम्बी का स्पॉनर में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा काम कर दिया हूँ इस स्पॉनर पे। देख ही सकते हो मैंने सारा को क्लियर कर चुका हूँ ये ब्लॉक्स, ताकि भाई ये लामा दिख रहा है बट इसका ऑनर नहीं है यहाँ पर। मैं तो ये देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये ब्लॉक्स यहाँ पर कैसे रह गए हैं इसको भी तोड़ो, पता नहीं क्यों रखा हूँ यहाँ पर ब्लॉक्स, मेरे को भी याद नहीं है। तो यहाँ पर तो पहले इसको ढक देते हैं एंड भाई कहाँ का ब्लॉक टूट गया। चलो ठीक है, तो अब हमको करना है एक और काम। पहले तो ये सारे को निकाल देता हूँ, भाई इसको नहीं निकालना था, कोबलस्टोन से ही लगाता हूँ क्योंकि मेरे को ये इसलिए नहीं निकालना है। मैं बता देता हूँ मेरे पास ये सारा सामान लेने के लिए फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा ना। इसी ये देख सकते हो मेरे को इस वाला चेस्ट पे ये ऊपर जो भी है ना वो सारे मिले थे मेरे को, तो मैं दिखाने के लिए रखा हूँ। तो इस सारे को सामान जो भी फालतू सामान है सारे को निकाल देता हूँ एंड मैंने अपना बूट्स एंड हेलमेट को भी इंचेंट कर लिया हूँ, इसको रखते हैं। एंड कोई फालतू चीज़ तो वो फिलहाल के लिए नहीं है, तो मैं सारा सामान लेके ही चलता हूँ। कुछ भी निकालने लायक तो दिख नहीं रहा है मेरे को। शूज़ निकाल सकता हूँ क्योंकि ना मेरा शूज़ पे है फर्स्ट वॉकर, देख सकते हो मेरे पास है फर्स्ट वॉकर टू है मेरे पास, इसीलिए मैं उसको पहन के चलूँगा ना वाटर आइस बन जाएगा, इसीलिए मैं उसको निकाल दिया हूँ ताकि वाटर आइस ना बन जाए। वाटर आइस बन गया तो दिक्कत हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकते ना हम काम, तो इसीलिए तो हम यहाँ पर वाटर डाल देते हैं। भैया आइस लाया हूँ कि नहीं, चलो मैं डायरेक्ट वहाँ से आइस ही लेके आ गया हूँ। ये वाटर मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है वाटर का, इसीलिए मैं आइस लेके आ गया था डायरेक्ट। तो इनको तोड़ते हैं, भाई वो दूसरा कैसे टूट गया, नहीं टूट गया। चलो अब हमारे पास जो वाटर बचा हुआ है मैं इसको डाल देता हूँ। ओ भाई ये बार बार टूट जाता है, लग गया। चलो इस साइड भी डालना होगा मेरे को, भाई इन्फिनिटी सोर्स बन गया है, मैं यहाँ से वाटर क्राफ्ट करना पड़ेगा। मैं इन्फिनिटी सोर्स बन गया है, मैं ठीक करता हूँ इनको। ओके तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया हूँ, यहाँ पर है अपना जॉम्बी का स्पॉनर एंड यहाँ से चार ब्लॉक तक नीचे डिक करना पड़ेगा। एंड इट्स वो तो मैंने 3x3 का ऐसा किया हूँ, भाई ये वाला ब्लॉक कैसे टूट गया। ओ भाई गलत चीज़ हो रहा है यहाँ पर, जहाँ पर नहीं लगना चाहिए वहाँ पर लग जाते हैं ब्लॉक, जहाँ पर चाहिए वहाँ तो नहीं लगते। भाई ये देखो क्या तोड़ रहा हूँ मैं, वाह ओ भाई क्या ही लग रहा है। एक तो स्प्लिट कंट्रोल है ना इसीलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस हो गया है कि स्प्लिट कंट्रोल पर कैसे खेलते हैं। बट अभी हाँ भाई मैं दिखाना ही भूल गया, देख सकते हो मेरे पास है फॉर्चून 3 एंड अनब्रेकिंग 3 मेंडिंग एंड एफिशिएंसी 5। ये एफिशिएंसी 5 कैसे आएगा आया है मेरे पास, मैं लॉज पे दिखा दूंगा आप लोग को। तो ये देख सकते हो मेरे पास वो भी है अनब्रेकिंग फ्लेम पावर 5 एंड इन्फिनिटी का, ये भी मिल चुका है मेरे को। तो अब यहाँ पर आएगा एक ब्लॉक ऑफ आइस का, ताकि थोड़ा बहुत स्लिप हो जाए, तो ऐसे स्लिप हो के यहाँ पर आ जाए इसलिए ही है, और तो कोई रीज़न नहीं है इसको लगाने का। तो यहाँ पर एक आ जाएगा एंड यहाँ पर एक सैंडबोर्ड, दो सैंडबोर्ड ही काफ़ी है भाई, मैं इतने की चार लेके आ गया था। तो भाई मेरा सोल सैंड, भाई सोल सैंड ऊपर रह गया है लगता है, तो मैं जल्दी से जाके उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ।
भाई चल रहा, पता नहीं ये वीडियो कितना हो गया है भाई, 6 मिनट का ऑलरेडी हो भी चुका है। तो ये देख सकते हो मेरा सोन सेंड यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो चलते हैं नीचे फिर से भाई। एफिशिएंसी पर ओपी है भाई, क्या ही तोड़ रहे हैं ना ये ब्लॉक्स। तो हम चलते हैं यहाँ से फिर से नीचे एंड यहाँ पर लगा देते हैं अपना सोल सैंड को, ताकि ये बबुल्स आए और डायरेक्ट ऊपर चले जाए। तो मेरे पास कोई अच्छे वाले स्टोन्स नहीं है, अच्छे वाले नहीं, ख़राब वाले स्टोन्स नहीं। मैं स्टोन को बेकार नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए वेस्ट नहीं करना है मेरे को स्टोन। भाई चल जा, कितना ज़्यादा दिक्कत दे रहा है इसमें भाई, चढ़ना चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। वाह, तो चलो मैं ऊपर चलता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर से वाटर डालते हुए आना है, इसलिए मैं यहाँ से लेता हूँ एंड। ये देख सकते हो यहाँ पर रखा हूँ मैं, यहाँ से ऊपर जाना है मेरे को। भाई सब क्या ही लग रहे ब्लॉक्स। तो मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड यहाँ से वाटर डाल देते हैं। हाँ मैं बता नहीं भूल गया, इस वीडियो पे मैं जॉम्बी फॉर्म नहीं, ड्राउनर का फॉर्म बनाने वाला हूँ, ड्राउनर एक्सपी फॉर्म। तो यहाँ से डायरेक्ट बबल्स आएंगे तो बढ़िया होगा, वरना कैल्प लगाते हुए नीचे जाना होगा मेरे को। देखते हैं आएंगे या नहीं, शायद से नहीं आने वाले हैं। तो हाँ मैं ये भी दिखाना है कि ये देख सकते हो मेरे को रेस्पिरेशन प्रोटेक्शन 4 ये सब मेरे को नहीं मिला है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर प्रोटेक्शन 4 एंड रेस्पिरेशन मिला है, बाकी सारे मेरे पास थे उसी को लगा दिया। तो जल्दी से चलते हैं नीचे, पहले तो सोल सैंड को तोड़ना पड़ेगा मेरे को। इस सोल सैंड को निकाल देते हैं हम एंड यहाँ से कैल्प लगाते हुए ऊपर चढ़ना है। ओके, तो मैं कैल्प लगाया था, कदम ख़त्म हो गए थे मेरे कैल्प, बट मेरे को एक चीज़ दिक्कत लग रहा है कि इतना ऊपर तक स्पॉन होना चालू पे रहेंगे या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा दूर पे हूँ, 63 से मेरे को 24 तक जाना है। तो देखते चालू रहेगा तो बढ़िया होगा, वरना मैं थोड़ा नीचे आके फॉर्म बना दूंगा ऑफलाइन पे। तो मेरे को इससे नहीं, इसको कैल्प तोड़ देता हूँ। ये देख सकते हो अपना ये तो तैयार हो चुका है, बट इससे पहले मेरे को नीचे आने के लिए भी जुगाड़ करना होगा ना, इसीलिए भाई इसको तोड़ा नहीं क्या मैं भाई, लग जा। तो इसको तोड़ा नहीं था ना, इसको भी तोड़ लेते हैं। पता नहीं वीडियो भाई 4 मिनट प्लस हो चुका है वीडियो, तो किस साइड से आया था भाई मेरे को याद ही नहीं है। तो पहले तो मेरे टॉर्चेस ले लेता हूँ, हाँ यहीं से आया था ना। इस ब्लॉक्स को तोड़ देता हूँ मैं, ताकि यहाँ पर नीचे वाटर रहेगा ना तो बढ़िया होगा ऊपर नीचे आने के लिए। बस इतना काफ़ी है, बाद में कर लूँगा बाद में का काम। तो यहाँ से चलते हैं अब ऊपर की ओर, ऊपर मेरे को एक फार्म टाइप बनाना होगा, इसीलिए ऊपर चलते हैं। देख सकते हो जॉम्बीज भी ऐसे ही डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे सोल सैंड नीचे लगाने से। देख सकते हो कैसे बबल्स आ रहे, सारा कैल्प भी वापस आ गया। तो अब मेरे को यहाँ पर एक ड्राउनर का फार्म टाइप बनाना पड़ेगा, उसके लिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत और स्पेस चाहिए मेरे को। इस साइड भी भाई लग जा, मेरा ब्लॉक्स ना ठीक से लग नहीं रहे, देखो कहाँ पर लग रहे हैं, मैं कहाँ पर लगाना चाहता हूँ ये कहाँ पर लग रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसको लगाते हैं पहले तो, और उसके बाद देखते हैं मैं क्या करना है। तो लग चुके हैं मेरे ब्लॉक्स भाई, लग जा। ओके तो यहाँ पर लग चुके हैं एंड मेरे को अब एक काम करना है, वो है कि यहाँ पर 2 ब्लॉक का हाइट पे जाना पड़ेगा। चलते हैं चलो, पहले तो 2 ब्लॉक का हाइट पे, उसके बाद बोलता हूँ। तो यहाँ पर तो आ चुका हूँ, मेरे को थोड़े और ब्लॉक्स लगाना पड़ेगा आगे की ओर। क्या ही गलत लग रहे हैं ब्लॉक्स। तो यहाँ पर ऊपर से कवर करना होगा मेरे को इसको थोड़ा इस टाइप से एंड ये वाला ब्लॉक को तोड़ देता हूँ मैं। एंड मेरे को अब थोड़ा बहुत वाटर चाहिए, टॉर्च भी इस साइड पे लगा देता हूँ एंड इस वाटर को यहाँ पर लगाने से यहाँ पर रुकता है। ओके चलो यही तो चाहिए था एंड मेरे होपर एंड चेस्ट चाहिए भाई, होपर एंड चेस्ट नहीं लाया था, क्या नीचे ही रह गए हैं शायद से लगता है कि। तो मैं जल्दी से पहले तो नीचे चलता हूँ और उसको लेके आता। ओके तो आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट बना दिया हूँ, यहाँ पर एक होपर रख दिया हूँ, ताकि मैं जो भी मारूँगा ना वो सारा इसके अंदर आके कलेक्ट हो जाए। तो अब मेरे को इसको कवर करना पड़ेगा, ताकि मैं मार सकूँ ये ना मार सके मेरे को। तो यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं, इस टॉर्च को भी निकाल देते हैं
एंड यहाँ पर भी ब्लॉक आ जाएगा। भाई कुछ तो गलत किया हूँ, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। इस चेस्ट को थोड़ा इस साइड रख देता हूँ निकाल के, तो शायद मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, बट मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या गलत हो रहा है मेरे से। तो पहले तो इसके ऊपर चढ़ते हैं एंड इस चेस्ट को, भाई ये डबल नहीं होगा, गलत ही सेम हो रहा है भाई, ये नीचे चला जाएगा पक्का। ये देखो इसको जाके अब कलेक्ट करके भी आना पड़ेगा मेरे को भाई, कलेक्ट करो और उसका फेस। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर एक स्टेयर लगा दिया हूँ, दो स्टेयर रिवर्स हैं, तो ये देख सकते हो यहाँ से कहा मेरे जो है ये टॉर्चेस गिर गए थे ताकि चेस्ट खुल पाए, इसीलिए अब सेट डाउन लगा दिया हूँ। एंड यहाँ पर आ जाएगा एक अपना, इसको क्या बोलते हैं स्लैब, एंड हम यहाँ से मार सकते हैं। तो मैं जाके इसको चालू करके आता हूँ, तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से। चल इस टॉर्च को तोड़ते हैं एंड देखते हैं कि ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं। ये देखो भाई सही से टॉर्च टूटा, वही से ही ज़ॉम्बी स्पॉन होना चालू हो गए हैं। इस सारे को भी हम क्लोज कर देते हैं, भाई मेरे पास टॉर्चेस चल रहे हैं। यहाँ पर एक टॉर्च लगा देता हूँ ताकि हमको पता चले कि यही है अपना मॉब स्पॉनर। कोई दिक्कत आ गया ना तब फिर से आना पड़ेगा ना यहीं पर, इसीलिए तो यहाँ पर दो टॉर्चेस लगा देता हूँ। तो अब हमको इसी साइड से ऊपर जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं। चलो कोबल स्टोन में सोचा, कोबल स्टोन नहीं आप कैसे जाऊँगा था, तो कोबल स्टोन तो मिल चुके हैं। यहाँ पर ऊपर वाला ब्लॉक दोनों को नहीं, तो आप लोग तो पहले जाके वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद वाला बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, जल्दी से जाओ और कर दो ऐसा काम। तो हम भी चलते हैं ऊपर 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 भाई, एक तो रात हुआ है ना, बड़े दिक्कत हो रही है रात का, कुछ सीधा ठीक से दिखता भी नहीं ना, इसीलिए यहाँ पर ज़ॉम्बीज तो स्पॉन नहीं हो रहे। आ गया क्या, और ऊपर जाना है। चलो यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहे क्योंकि मैं उसके अंदर वहाँ पर होता हूँ ना। ये वाटर तो मैंने ऐसे ही लगाया है, ये इसके अंदर से आने वाला वाटर नहीं है, देख सकते हो मेरे पास बकेट खाली नहीं था इसलिए मैं इसे लगा दिया हूँ। ये देख सकते हो भाई ड्राउनर में कन्वर्ट हो चुके ही, तो इसको यहाँ से मारना पड़ेगा हमको। मेरे पास तो लूटिंग फ्री है, देख सकते हो मेरा एक्स भी बढ़ रहा है यहाँ से। ओ भाई क्या ये लूट तो यहाँ से मिल जाएगा, कोई तो मारा है मेरे को कहीं से। तो भाई मेरा हंगर फिर से खाली हो गया, वाह मेरे पास खाने के लिए पंपकिन पाई, भाई वो नीचे छोड़ दिया यार। चलो ये रोटम फ्रेश को ही खाते हैं पहले को हम भाई। ये तो मेरा हेल्थ बार पे आई मीन हंगर बार तुम्हें ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं एक तो ठीक से। तो पहले तो हम अपना हेल्थ फुल कर लेते हैं, हेल्थ नहीं हंगर फुल कर लेते हैं और इसको यहीं पर रख देते हैं। तो ये सारा सामान मेरा है, ठीक से आया नहीं बट आ गया है जितना आना चाहिए। तो भाई ये नहीं, ये 17 सेकंड्स तक है भाई, ड्रोनर ऊपर नहीं आ रहे भाई, यही तो दिक्कत हो रहा था ना। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि यही दिक्कत होगा मेरे को पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर पे स्पॉन नहीं होते, मैं थोड़ा टिक करके आता हूँ। ओके तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर बना दिया हूँ अपना क्या बोलते हैं ड्रोनर का एक्सपी फॉर्म। तो मैं एक बार नीचे भी जाके देख के आता हूँ स्पॉनर को ठीक करके आता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर टॉर्चेस लगा दिए थे। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक तो खाना नहीं है, ये देख सकते हो फिर से ज़ॉम्बी स्पॉन होना चालू हो गए हैं। तो क्योंकि मैंने नीचे टॉर्च लगाया था, यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना इसीलिए डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ये देख सकते हो यहाँ पर ड्रोनर में कन्वर्ट हो चुका है ये। अब इसको हम मार देते हैं, यहाँ पर चेस्ट पे आ जाएगा सारा सामान। भाई ये स्लैब ठीक से नहीं लगा, इसको तोड़ देता हूँ भाई मेरा ठीक है। एक्सल भाई इसके ऊपर दबना क्यों यार, भाई आ जाइए ज़ॉम्बीज। चलो ये देख सकते हो यहाँ पर मेरे को 11 रोटम फ्लैश मिल चुका है, जब आ रहा था तब से मार रहा हूँ इसी को, इसको भी तोड़ के स्लैब ही लगा देते हैं। तो भाई फिर से स्पॉन होना कम हो गए हैं, वैसे ही होते रहते हैं, कभी कभी ठीक से स्पॉन नहीं होते, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्पॉन हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देर तक यहीं पर रुकाना, अच्छे खासे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया भाई। यहाँ पर वाटर आ गया, ऊपर ओशन है ना भाई, ओशन के नीचे है डायरेक्ट स्पॉनर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। मैं फिलहाल के ऊपर जाने के लिए किया हूँ ये सारा, बाद में निकाल दूंगा ये पानी को, निकालना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है निकालने के लिए। भाई किधर गया हो भाई, यहाँ पर भी ड्रोनर ही है, लग जाए भाई सब लगाने भाई, इसको ऐसे मारूंगा ना, आ जाओ तेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत, इसका क्या दिक्कत है, क्यों मरने के लिए बहुत ज़्यादा ये था इसके लिए, इसको मरने की पड़ी हुई थी भाई। मेरे को तुमसे फाइट लेने का टाइम नहीं है, मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें और दिखाना है, देख सकते हो सुबह भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है मेरे को, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ दिखानी है आप लोग को। वो दिखाने के बाद मेरे को फिर से यहाँ पर आ जाऊँगा, तब थोड़ी देर तक एफ के बैठूंगा ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी स्पॉन्ड हो जाएंगे। पहले तो मैं अपनी बूट पहन लेता हूँ, ये देख सकते हो कैसे आइस बन जाता है वाटर पे, हम चल सकते हैं ये फास्ट वॉकर की वजह से, तो ये देख सकते हो। बट ये बहुत ज़्यादा जल्दी टूट रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे पास तो फास्ट वॉकर
टू है, ये वन भी नहीं, टू है मेरे पास। टू सबसे ज़्यादा होता है मेरे पास, थ्री नहीं होता है जहाँ तक मेरे को पता है। तो पहले तो हम अपने घर के पास चलते हैं। घर पे भाई रैबिट्स को मारना बड़ी दिक्कत हो रहा है। स्प्लिट कंट्रोल पे मैं नॉर्मल स्प्लिट कंट्रोल ऑफ करके तो बहुत ज़्यादा आसानी से मार लेता हूँ, बट स्प्लिट कंट्रोल पे मारना ना भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मेरे को। तो मेरे को एक और चीज़ दिखाना है आप लोग को भाई, ये स्वॉर्ड अंदर रख देता हूँ, अगर मेरे को लग गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे विलेजर्स है, एंड यहाँ पर ये वाले ये विलेजर तक ही मैंने रखा था लॉस्ट वाले वीडियो पे। उसके बाद मैंने ऊपर दो विलेजर थे उनको ब्रीड करवा करवा के इतने सारे विलेजर्स किया हूँ मैं। एंड मेनली आप लोग को दिखाना है कि मेरे को ये वाला विलेजर क्या दे रहा है। ये देख सकते हो मेंडिंग वाला, इसका नाम कैसे आया देखो, ये देखो भाई नेम टैग दे रहा है, और क्या चाहिए भाई, ये तो नेम टैग दे रहा है इसीलिए इसका नाम है मेंडिंग वाला। इसका नाम है, इसको नाम नहीं रखा क्या मैंने भाई, इससे ट्रेडिंग करने भी नहीं जा नहीं सकता। नहीं थोड़ा आगे आ जा भाई, ये नहीं आने वाला है। तो इनको तो नाम नहीं रखा, इसको भी नहीं रखा हूँ, इसको भी नहीं, इसको तो कैरेट रख दिया हूँ क्योंकि कैरेट बहुत सस्ते ट्रेड में देता है इसीलिए। ये देख सकते हो इसने मेरे को गोल्डन कैरेट नहीं दिया है, इसने ग्लिस्टरिन मेलन दिया है मेरे को। तो बाकी तो ये देखो भाई मेरे को एफिशिएंसी इसी ने दिया है इसीलिए इसका नाम एफिशिएंसी रख दिया हूँ मैंने। ये देख सकते हो एफिशिएंसी 5 दे रहा है भाई ये, एंड बहुत ज़्यादा ट्रेड में दे रहा है 6400 के बदले। मतलब आप लोग सोच ही सकते हो पूरे स्टैक्स खत्म हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको एक बार जॉम्बी बनाया हूँ एंड फिर से इसको नॉर्मल किया हूँ। तो ये तो 41 पे दे रहा है। दो बार एक ही विलेजर को जॉम्बी बना सकते हैं कि आप लोग कमेंट पे बताओ, दो बार एक ही विलेजर को बना सकते हो तो मैं बनाऊँगा, क्योंकि अब भी बहुत ज़्यादा महंगे ट्रेड दे रहा है ये। इसको तो मैंने डायमंड पे पहुँचा दिया हूँ भाई, कब से पेपर देना बंद कर दिया, कब देगा भाई, अब तक तो 4-3 रात तो हो चुके हैं फिर भी ये नहीं दे रहा है पेपर का, ट्रेनिंग नहीं ले रहे भाई। ये देख सकते हो भाई मैंने इसको टेम किया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही है तो मैं उसको तो टेम कर दिया हूँ। एंड ऊपर अभी एक भी विलेजर नहीं है। हाँ ये देख सकते हो, मैं एक और चीज़ दिखाना है आप लोग को भाई, किधर चला गया, ऊपर ही है। ये देखो मैंने यहाँ पर एक पोर्शन का रूम बना दिया हूँ, बस ब्रीविंग स्टैंड नीचे है, मैं एक और ब्रीविंग स्टैंड बना दूंगा। ये देख सकते हो पोर्शन के जो जो सामान चाहिए सारे रख दिया हूँ यहाँ पर। इसको मैं चाहिए तो नगेट भी बना दूंगा, एक क्राफ्टिंग टेबल भी रख दूंगा यहाँ पर। यहाँ पर तो मैं इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाया हूँ, मेरे पास फास्ट वाटर है इसीलिए वो आइस बन जा रहा है पानी। तो अब जाके एक बार मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकता हूँ, क्योंकि फ़ोन है इसलिए इसमें EFK भेजना मतलब ऑटोमेटिकली फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो जाता है, आपको पता ही होगा जो जो फ़ोन पे खेलता है, मोबाइल पे जो खेलता है उसको तो पता ही होगा। पीसी होता तो शायद पीसी में ऑफ नहीं होता है जहाँ तक मेरे को पता है स्क्रीन, इसलिए भाई खाना नीचे है ना भाई, भूल गया, बट कोई ना तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना पड़ेगा ना, बिना खाने के रह नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाता हूँ। यहाँ पर है क्या कुछ, मैंने पोटैटो तो पकाने के लिए रखे थे उसको निकाला था, बट कहाँ पर रखा हूँ वो तो नहीं पता। चलो 6 ब्रेड है फिलहाल के लिए, इसी से काम चला लेते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फार्म भी बनाना है। ओके तो गाइस मैंने एक ड्रोनेट को मारा था एंड उसने दिया है मेरे को ट्राइडेंट। ओ भाई साहब मेरे को तो ट्राइडेंट मिल गया है, बट ना गाइस मेरे को एक दिक्कत भी हो चुका है, वो है भाई पहले नीचे तो जाने दे मेरे को, वही नीचे तो नहीं जाने दे रहा, शायद से मेरे को शूज तोड़ना पड़ेगा, आई मीन तोड़ना नहीं निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी देर रुकते हैं, चलो मेरे को ना एक दिक्कत हो गया, चलो मिल गया है भाई, इसी का दिक्कत हो रहा था कि मेरे को ये पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ, फाइनली दिख चुका है मेरे को मैं कहाँ से आया। तो यहाँ पर ऊपर एक ब्लॉक लगा देता हूँ मैं, तो पानी सारा रुक चुका है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं बैठता हूँ एंड देखता हूँ कि कोई आएगा भी या नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाता हूँ। ओके तो गाइस मैं सिर्फ 4 या 5 विले ज़ॉम्बीज़ को मारा था, उतने में ही मेरे को देख सकते हो कितना अच्छा लूट मिल गया है। चेन का हेलमेट, चेन का चेस्ट प्लेट, एंड लेदर खार मेरे को मिल चुका है, एंड गोल्ड इंगट भी मिल चुके हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, इनको भी मार देते हैं। हमको XP भी बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला मिल भी रहा है एंड मार भी बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है। देख सकते हो हमको एक शेल भी मिल चुका है, ये इसका में आएगा कि हमको हम ये कॉन्डिट बना सकते हैं इसका, इसीलिए वहाँ पर काम आएगा ये कॉन्डिट बनाने के लिए। 8 शेल्स चाहिए ऐसे वाले, वो 8 शेल्स आने के बाद हम एक कॉन्डिट बना सकते हैं। ओके तो गाइस मैं 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर बैठा हूँ एंड देख सकते हो कितने ज़्यादा ड्रोनर यहाँ पर स्पॉन हो चुके हैं, ड्रोनर नहीं ज़ॉम्बी स्पॉन हुए हैं एंड ड्रोनर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसके अंदर से कितना ही लूट है देख सकते हो, पूरा अच्छा वाले आर्मर्स देते हैं, ये डैमेज्ड वाले नहीं देते हैं। तो हम आते हैं इनसे हमको ट्राइडेंट भी मिल सकता है, पता है आप लोगों को ट्राइडेंट, तो इनको मारना शुरू करते हैं।
तो ये तो मर चुके हैं एंड इसके अंदर भाई सामान क्यों नहीं आ रहा है रुको देखते हैं भाई ये पीछे जा रहा है ना एपिल को। अच्छा ओके तो गैस मैं उसको ऊपर से और थोड़ा नीचे लेके आ गया हूँ ताकि थोड़ा और जल्दी से काम हो। तो देख सकते हो भाई सब पूरा भरा हुआ है उनको मारते। बट एक ही चीज़ को मेरे को दिक्कत लग रहा है कि वो ये है कि इसमें कलेक्ट होगा या नहीं, सिर्फ वो एक ही दिक्कत दिख रही है मेरे को, बाकी तो भाई सब देख सकते हो मेरा एक्सपी का कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। एक मिनट रुको मेरे को देख लेने दो कि इसके अंदर भर भी रहा है। हाँ देखो भाई क्या ही आ रहा है तो इसको तो मार देते हैं पहले तो भाई 31 एक्सपी हो भी गया भाई इतना स्पीड भी भर रहा है मेरा एक्सपी तो क्या ही देखो आए ही जा रहे भाई आए ही जा रहे। ओ भाई 32 एक्सपी हो गया भाई सब क्या ही तेज में बढ़ रहा है ना। ये ब्लॉक्स को निकाल देता हूँ तो बस इसके अंदर हाँ इसी का दिक्कत था इसीलिए मैंने ब्लॉक लगाया था यहाँ पर, वरना तो मेरे को ब्लॉक लगाने का कोई यूज़ ही नहीं यहाँ पर ब्लॉक लगाने का, सिर्फ उसी के लिए लगाना है। यहाँ पर ऊपर से कवर कर देता हूँ जो उसको एंड ये वाला ब्लॉक निकाल दिया तो बढ़िया। चलो अब यहाँ पर लगा दूँ नहीं मैं यहाँ पर ना ये लगाऊँगा क्या बोलते हैं आयरन का ट्रैप डोर लगा दूँगा ना यहाँ पर तब बढ़िया होगा। ओ भाई अब ये जब ड्राउनर बनेंगे तब मैं भी फिर से मारना शुरू करूँगा देखता हूँ कुछ अच्छा लुक मिला है नहीं। ओ भाई कितने हो गए 4 शेल हो चुके हैं एंड ये सारा ऊपर वाला सामान है मैं नीचे लेके आ गया हूँ। तो देख सकते हो मेरे पास पूरे 11 आयरन नहीं गोल्ड के इंगट भी बन चुके हैं, मेरे को ट्रेडन पहाड़ मिल गया था। तो भाई सब क्या ही तेजी से क्या है भाई ओ भाई ये सो रहा है क्या भाई बढ़िया। तो मैं थोड़ी देर तक यहाँ पर रुकता हूँ और उसके बाद देखते हैं। तो मैं एक मिनट भेज दूँगा